एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली के न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसमें HDFC बैंक किस इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है, क्या आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है, क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, मंथली सैलरी आप लोगों की कितनी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे HDFC बैंक रिक्वायर्ड करती है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को फुल डिटेल में आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। चलिए बढ़ते अपने HDFC पर्सनल लोन की कुछ इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HDFC पर्सनल लोन की बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हमारा 10.5% से 24% तक का हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस आप लोगों से वन टाइम फी मिलती है पड़ेगी, जो आप लोगों को 5,000 देनी होगी। लोन अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर अप टू ₹40,00,000 तक का लोन अमाउंट मिल जाता है और लोन टेन्योर है वो 1 से 5 साल के लिए, मतलब मैक्सिमम आप लोगों को 5 साल तक के लिए लोन टेन्योर मिल जाता है। अब अगर यहाँ पर बात करें HDFC पर्सनल लोन डिटेल्स की, तो जैसा कि बताया कि आप लोग को ₹50,000 से ₹40,00,000 तक का आप लोगों को पर्सनल लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट 10.50% से 21% तक का। बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यू शुड बी एम्प्लॉयड एट अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और विद अ स्टेट सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट बॉडी। यू शुड बी ओवर द एज, आपकी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपकी 60 ईयर्स होनी चाहिए HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। जो आप लोगों की मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए, जो मंथली सैलरी आप लोगों से रिक्वायर्ड करती है HDFC बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए वो 25,000 की है और आप लोगों को वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसका एटलीस्ट 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की HDFC बैंक से, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देख सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर आप लोग वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ पासबुक एट द लास्ट 6 मंथ, लेटेस्ट सैलरी स्लिप फ्रॉम 16 देना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को प्रोवाइड करानी होगी। बात करें अब अगर आप लोगों जैसे कि 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें आप लोगों को कितने EMI पे करनी होगी, तो बढ़ते हम लोग अपनी EMI कैलकुलेटर की तरफ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 5 लाख का पर्सनल लोन अमाउंट सेलेक्ट कर देते हैं मिनिमम 11% के इंटरेस्ट रेट पर 1 साल के लिए, या फिर इसको हम लोग कर देते हैं 1.5 डेढ़ साल के लिए। तो जो आप लोगों की लोन EMI जाने वाली है वो 30,259 रुपये की जाएगी। टोटल इंटरेस्ट पेबल आप लोगों को 44,667 रुपये का करना है, 44,667 रुपीज का टोटल पेमेंट आपकी बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके 5,44,667 रुपीज का। ब्रेक ऑफ टोटल पेमेंट आप लोगों को करनी है 8.2% है टोटल इंटरेस्ट वाला एरिया है और ये जो हमारा प्रिंसिपल लोन अमाउंट है 91.8% है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से हमारे 11K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए देसी डिटेल्स ओनली चैनल पर।